आई एम नरेंद्र कुमार शर्मा, आई एम स्टार्टिंग चैप्टर 3 फॉर क्लास 8th वी इन साइंस, वीडियो नंबर 1, द नेम ऑफ चैप्टर सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। चैप्टर का नाम है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। बच्चों, इससे पहले हम थोड़ा पिछली क्लासों की तरफ देखें तो हमने प्लांट फाइबर के बारे में समझा था, जैसे कॉटन फाइबर हो गया, जूट फाइबर हो गया, हैं, और फिर एनिमल फाइबर के बारे में हमने स्टडी की थी। एनिमल फाइबर में वूल वगैरह के बारे में हमने पढ़ा था, जिसे स्वेटर, जर्सी, शॉल वगैरह बनाए जाते हैं। इसके बाद हमने सिल्क फाइबर के बारे में पढ़ा, अर्थात रेशम के बारे में पढ़ा। अब हम जानते हैं कि जो सिल्क है उसकी डिमांड तो है ज़्यादा, लेकिन सप्लाई इतनी नहीं है, इसलिए ये बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, आउट ऑफ रीच फॉर द पुअर पर्सन, अर्थात गरीब लोगों की पहुंच से ये बाहर होते हैं। इसलिए एक योजना बनाई कि क्यों ना एक ऐसा फाइबर तैयार किया जाए जो रेशम जैसा ही अट्रैक्टिव हो, लेकिन अफोर्डेबल हो, गरीब लोग भी इसको परचेज कर सके। तो बच्चों, ऐसे फाइबर जो मैनमेड होते हैं, जिन्हें मनुष्य कृत्रिम रूप से बनाते हैं, ऐसे आर्टिफिशियल फाइबर का नाम है सिंथेटिक फाइबर। अर्थात ये लगते भी ऐसे हैं जैसे रेशम जैसे हो, सिल्क जैसे हो, लेकिन रियली सिल्क नहीं होते, मैनमेड होते हैं, जो रिजेंबल एज ए सिल्क, दे अपियर एज ए सिल्क, सिल्क जैसे लगते हैं। ठीक है, तो अब ये तो रहा कि मैनमेड फाइबर और द आर्टिफिशियल फाइबर आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर, जिन्हें कृत्रिम रेशे भी कहते हैं, मनुष्य द्वारा बनाए गए रेशे। अब जो टॉपिक है 3.1, व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर, अब ये बनते कैसे हैं, क्या है। अब बच्चों, दीज फाइबर इज आल्सो ए चेन ऑफ ए स्मॉल यूनिट जॉइंट टूगेदर। एक छोटी छोटी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे मोतियों की माला है, जैसे देखते हैं ये माला है, और इसमें छोटे छोटे आपको ब्रीड नजर आ रहे हैं, ये जुड़े हुए हैं, ठीक है, और क्या बन गया इनसे, एक माला बन गया। इस तरह से कई बार दीपावली के अवसर पर हम कागज को छोटे छोटे उनके पार्ट जोड़ करके एक पूरी एक चेन बना लेते हैं। तो ऐसे ही जब एक ऐसी छोटी चेन जब बार बार मिलेगी, बनेगी, ठीक है, तो वो उनसे एक यूनिट, बड़ी यूनिट तैयार हो जाएगी। बच्चों, बड़ी यूनिट कैसे तैयार होगी, तो अब दीज फाइबर आल्सो ए चेन, ये फाइबर भी एक चेन होती है, स्मॉल यूनिट जॉइन, जैसे छोटी छोटी ये यूनिट आपस में मिली, तो ये छोटी छोटी यूनिट आपस में जॉइन होकर के क्या बना, लार्ज सिंगल यूनिट बनी, और जिसे क्या कहते हैं, पॉलीमर। क्या कहा जाता है इसको, पॉलीमर। पॉली को यदि हम इसका अलग इसको देखें, पॉली और मर से ये वर्ड बना हुआ है। पॉली का अर्थ होता है, मीनिंग होता है मैनी, और मर का अर्थ है पार्ट और ए यूनिट, अर्थात ऐसी कोई यूनिट जो बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बनी होती है, उसे क्या कहते हैं, पॉलीमर। अब बच्चों, एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम सेल्यूलोज को लें, सेल्यूलोज, अब ये नेचुरल पॉलीमर्स कहा जाता है, और इट इज ए लॉन्ग चेन ऑफ द ग्लूकोज यूनिट, और ये एक लंबी श्रृंखला होती है ग्लूकोज यूनिट की, बहुत सारी ग्लूकोज यूनिट आपस में मिल करके क्या बनाती हैं, सेल्यूलोज बनाती हैं, तो ये नेचुरल पॉलीमर्स हुआ बच्चों। तो अब ये तो ये रहा कि भाई व्हाट आर द सिंथेटिक फाइबर, दीज आर द मैन मेड फाइबर एंड आर फॉर्म बाय द स्मॉल यूनिट या ए चेन ऑफ ए स्मॉल यूनिट जॉइंट टूगेदर, एंड दीज स्मॉल यूनिट
इज कॉल्ड केमिकल सब्सटेंस, ये रासायनिक सब्सटेंस होते हैं। अब मैनी सच स्मॉल यूनिट कंबाइंड टू फॉर्म ए लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड पॉलीमर, ये मैंने आपको समझा दिया, ये सब समझा दिया। अब 3.2 में आ जाए आप, टाइप ऑफ द सिंथेटिक फाइबर्स। अब ये तो हम समझ गए कि सिंथेटिक फाइबर होते क्या है, अब इनके टाइप। पहला टाइप है बच्चों रेयॉन, है रेयॉन क्या है बच्चों, ये भी एक तरह से आप देखते हैं कि पहले ही बता दिया था मैंने, क्योंकि सिल्क जो होते हैं बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, फैसिनेट होते हैं, लेकिन कॉस्टली होते हैं बच्चों। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सिंथेटिक फाइबर्स का निर्माण किया गया। तो रेयॉन कैसे बनाए जाते हैं, रेयॉन इज मेड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प, लकड़ी की लुगदी को केमिकल ट्रीट किया जाता है और जिससे क्या बनता है रेयॉन। और रेयॉन को कई कलर में हम डाई कर सकते हैं, कई कलरों में इसको रंग सकते हैं बच्चों। अब बात यह आती है कि अभी बताया कि जो सिंथेटिक फाइबर हैं वो मैन मेड होते हैं, उनमें जो है जनरली प्लांट या एनिमल फाइबर नहीं होते हैं, यानी कि जंतुओं से या पौधों से प्राप्त नहीं होते, लेकिन एक ऐसा सिंथेटिक फाइबर है जो लकड़ी से या पौधों से प्राप्त होता है, तो उसके ट्रीटमेंट से। लेकिन ये फिर सिंथेटिक क्यों हुआ, क्योंकि मैनमेड होता है, क्योंकि मनुष्य के द्वारा बनाया गया होता है। अब बच्चों से क्या बनाते हैं, यूज क्या करते हैं रेयॉन का, बेडशीट बनाने में, कारपेट बनाने में, एक्सेट्रा। अब दूसरे नंबर का है नाइलॉन। बच्चों नाइलॉन जो है वो प्योर सिंथेटिक फाइबर है, क्योंकि इसमें ना तो कोई प्लांट का अंश होता है और ना ही कोई एनिमल का अंश होता है। कोयले से और वाटर से और एयर से मिलाकर बनाया जाता है नाइलॉन। नाइलॉन को सबसे पहले 1931 में बनाया गया था बच्चों। इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत सख्ती मजबूत होता है, कहने का मतलब इलास्टिक, इसको तोड़ मोड़ सकते हैं, लचीला होता है, लाइट हल्का वेट होता है, ज़्यादा हैवी नहीं होता, बहुत हल्का होता है। लस्ट्रस मीन्स इसमें बहुत चमक होती है बच्चों, शाइनिंग एपीरियंस होती है। इजी टू वॉश, इसको आसानी से साफ किया जा सकता है, समझे, जैसे जो हमारे कॉटन क्लोथ है उनमें बहुत ज़्यादा सर्फ, बहुत ज़्यादा मेहनत जब जाकर के, यानी कि दे आर नॉट इजी टू वॉश, समझे, बट नाइलॉन इजी टू वॉश, इसको आसानी धो सकते हैं। अब नाइलॉन का यूज कहाँ किया जा सकता है, बहुत सारी ऐसी चीजें बच्चों जहाँ नाइलॉन का यूज किया जाता है, इन मेकिंग क्लोथ, कपड़े बनाए जा सकते हैं, सॉक्स जुराब बनाए जा सकती हैं, रोप्स रस्सी बनाई जा सकती हैं, टेंट बनाए जा सकते हैं, टूथब्रश जिससे कॉलगेट करते हैं आप लोग हैं वो बनाया जा सकता है, कार शीट बेल्ट बनाई जा सकती है, स्लीपिंग बैग बना सकते हैं, कर्टेन पर्दे बना सकते हैं, पैरासूट आपने सुना होगा जो वायु एक तरह से फ्लाई करते हैं, हैं तो पैराशूट जो है वो भी इसी के बनाए जाते हैं, ठीक है, नाइलॉन के। तो नाइलॉन का बहुत ज़्यादा यूज है। और मैं आपको बताऊं, यदि आप एक सेम थिकनेस का एक स्टील वायर ले लीजिए और एक नाइलॉन का वायर ले लीजिए सेम थिकनेस का, तो आप देखेंगे कि नाइलॉन वायर ज़्यादा स्ट्रोंगर है, ठीक है। अब थर्ड नंबर पर है पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक। अब बच्चों पॉलिस्टर क्या है, पॉलिस्टर जो है पॉली प्लस एस्टर, अर्थात बहुत सारे इसमें मैनी एस्टर मिलकर के पॉलिएस्टर का निर्माण हुआ बच्चों। और इसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, इट डज नॉट गेट व्रिंकल्ड इजीली, ये आसानी से सुकुड़ता नहीं है, व्रिंकल्ड का मतलब सुकड़ जाना, जैसे सूती कपड़े आप ऐसे रख देंगे तो वो व्रिंक्ड हो जाते हैं, व्रिंकल्ड पड़ जाते हैं उनके अंदर, अर्थात एक तरह से उनकी क्रीज खराब हो जाती है। अब इजी टू वॉश और आसानी से इनको साफ किया जा सकता है, पॉलिस्टर को भी व्रिंकल्ड नहीं पड़ते ज़्यादातर, और ज़्यादा प्रेस की आवश्यकता नहीं है और उसको साफ करना आसान है। अब यूज़ कहाँ करते हैं पॉलिस्टर बच्चों, एक समय था जब हम लोग पढ़ते थे स्टडी करते थे तो उस समय ज़्यादातर कॉटन क्लोथ हैं ऐसे ज़्यादा यूज़ होते थे, सिंथेटिक नहीं यूज़ होते थे। लेकिन आज का समय यह है कि भाई आज ज़्यादातर जो बच्चे हैं या बड़े लोग हैं सब ज़्यादातर सिंथेटिक क्लोथ का ही यूज़ कर रहे हैं। तो यूज़ क्या है इसका, ड्रेस मटेरियल, आज भी बच्चे स्कूल में जो ड्रेस पहनते हैं वो पॉलिस्टर की बनी हुई हो सकती है। टेरिलीन
टेरिलीन भी एक बहुत ही प्रसिद्ध पॉलिस्टर है बच्चों, इसकी भी एक ड्रेस बनाने में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, इससे लोग अपने शर्ट वगैरह बनवा सकते हैं। पीईटी नेक्स्ट है, पीईटी पीईटी बच्चों ये भी एक फैमिलियर पॉलिस्टर है, समझे नहीं, लेकिन इससे हम ड्रेस व्रेस नहीं बनाते, बल्कि इसका यूज बोतल बनाने में, यूटेंसिल बर्तन बनाने में, फिल्म बनाने में, वायर तार बनाने में कर सकते हैं, समझ रहे। अब आते हैं एयर क्लिक। बच्चों ये क्या है, अभी हमने आपको पॉलिस्टर के बारे में बताया, अब एयर क्लिक इसके बारे में देखिए ये क्या है, ये आर्टिफिशियल वूल है। अब आर्टिफिशियल वूल की जरूरत क्या पड़ी, क्यों लोग आर्टिफिशियल वूल का यूज करते हैं बच्चों, उसका कारण ये है कि जो नेचुरल वूल है वो काफ़ी कॉस्टली होती है, महंगी होने के कारण हर व्यक्ति इसको परचेज नहीं कर सकता, इसीलिए मैन मेड वूल को एयर क्लिक कहा जाता है, यानी कि ये एक वूल है जो मनुष्य के द्वारा बनाई गई आर्टिफिशियल रूप से, ऐसी दिखाई देती है जैसे कि वूल दिखाई देती है बच्चों, और लेकिन काफ़ी सस्ती होती है नेचुरल वूल के मुकाबले। तो नेचुरल वूल कैसी होती है, एक्सपेंसिव होती है, बहुत ज़्यादा महंगी होती है, है जबकि जो आर्कलिक है मैनमेड वूल है वो एक्सपेंसिव नहीं होती, अफोर्डेबल होती है। आर्कलिक अवेलेबल इन मैनी कलर, ये बहुत सारे कलरों में मिल जाते हैं, समझे। फिर मोर ड्यूरेबल, बहुत ज़्यादा चलते हैं बच्चों, अफोर्डेबल, हर व्यक्ति खरीद सकता है इसको, है फिर बट सम टाइम, लेकिन इसमें देखिए एक बड़ी बुराई ये है कि एक सूती वस्त्र और एक हम ये पॉलिस्टर वगैरह या आर्कलिक पहने हुए हैं, इनमें प्रॉब्लम क्या आती है कि कई बार किचन में काम कर रहे हैं या कोई लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं जहाँ फायर है, तो फायर कैच कर लेते हैं, और यही नहीं, फायर तो खैर कॉटन क्लोथ वगैरह भी करते हैं, लेकिन ये फायर कैच करके और हमारी बॉडी से स्टिक हो जाते हैं, और स्टिक होने का मतलब ये है कि हमारी बॉडी से चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे और ज़्यादा जलने के चांसेस हो जाते हैं। इसलिए ये एक तरह से सलाह है कि जब भी हम रसोई में या कहीं काम करते हैं तो पॉलिस्टर के वस्त्र या टेरिलीन के वस्त्र हैं या एयरक्लिक वगैरह यूज ना करें ऐसी जगहों पर। तो ये रहा, सो वी शुड नॉट यूज द किचन और लेबोरेटरी दीज टाइप फाइबर्स, समझे, ये इसमें प्रॉब्लम है। दूसरा, विंटर के लिए भी ज़्यादा अच्छे नहीं होते ये, कॉटन ज़्यादा अच्छा होता है। इसके बाद यदि ड्यूरेबल की बात करें, मेंटेनेंस की बात करें, तो पॉलिस्टर या एरक्लिक ज़्यादा अच्छे रहते हैं। अब 3.3 है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिंथेटिक फाइबर। बच्चों हम सिंथेटिक फाइबर का यूज़ क्यों करते हैं, क्यों ये पॉपुलर होता जा रहा है, इसका कारण ये है कि ड्राई अप क्विकली, यदि कॉटन क्लोथ के मुकाबले बहुत जल्दी सूखते हैं वो ज़्यादा टाइम लेंगे, जबकि जो सिंथेटिक क्लोथ हैं वो क्विकली ड्राई अप हो जाते हैं। ड्यूरेबल यानी कि वो एक सीजन ही चलेंगे, ये कई साल तक चलते हैं, बल्कि कई बार फटते नहीं है, मन से उतारने पड़ते हैं बच्चों। एंड लेस एक्सपेंसिव, कम खर्चीले होते हैं, यानी कि कॉटन क्लोथ आजकल महंगे आने लगे हैं। देखिए उल्टा हो गया, पहले कॉटन क्लोथ सस्ते होते थे लेकिन आज के समय में महंगे होते जा रहे हैं। रेडीली अवेलेबल, आराम से उपलब्ध होते हैं बच्चों, इजी टू मेंटेन, इनकी इनको मेंटेन करना, इनकी धुलाई सफाई प्रेस ये सब जो है काफ़ी जो है इजी होती है एक तरह से। तो ये सब रहा कि भाई हम सिंथेटिक फाइबर क्या है, प्लास्टिक क्या है, क्यों इनका यूज़ करते हैं। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो, नेक्स्ट आई विल डिस्कस अगेन, थैंक यू।